चेक करो टेंथ में फर्स्ट सम में रेखा मीरा मुक्ता मेनका रेखा मेनका मुक्ता वाला सम मिला उसमें आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 8000 आया 422 इज द ब्रेकअप पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी 60-70 एंड 34000 आया जनरल रिजर्व इज 844 आया मिला गुडविल 75000 मुक्ता बाय गुडविल रिवैल्यूएशन 422 पीएनएल सस्पेंस इज 3750 डेबिट साइड पे टू ड्रॉइंग्स 10000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1000 मिला सर एक मिनट बोलो पीएनएल एडजस्टमेंट लास्ट में मुक्ता का 3750 ना पीएनएल सस्पेंस हाँ मुक्ता का 3750 कहाँ से आया 60000 का एवरेज प्रॉफिट है लास्ट दो साल के एवरेज पे बेस था 60000 का 14 उस पे 3/12 बराबर 60000 का 1/4 का 3/12 वर्किंग नोट में दिखेगा मिला क्या मिला कंजानी देन टू ड्रॉइंग्स 10000 एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1000 आया मुक्ताज एग्जीक्यूटर्स लोन इज 107750 राइट एंड बैलेंस इज 72 एंड 76000 एंड इन द बैलेंस शीट टैलीज ऑन 275750 एंड उसमें पीएनएल सस्पेंस आएगा 3750 माइनस 1000 2750 व्हाट दैट हेलो मिला क्या सेकेंड सम में रिवाल प्रॉफिट इज 1000 ब्रेकअप इज 400 200 आया दूसरा सम रिवाल प्रॉफिट 1000 रुपया ब्रेकअप इज 400 400 200 मिला उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में देख लो बाय बैलेंस बीडी 40 40 20 बाय गुडविल 2 2 एंड 1 मिला 2000 2000 1000 बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इज 400 400 200 पीएनएल सस्पेंस इज 500 ओनली इन कविता स्कॉल मिला एंड टू बैंक आएगा क्योंकि पे ऑफ किया है एनईएफटी से आप टू बैंक भी लिख सकते हो या टू एग्जीक्यूटर भी लिख सकते हो कैपिटल में टू एग्जीक्यूटर है तो बैंक में बाय एग्जीक्यूटर कैपिटल में टू बैंक है तो बैंक में बाय कविता कैपिटल बोथ आर फाइन सो टू बैंक इज 21700 और बैंक में आएगा बाय कविता कैपिटल 21700 और बाकी दो का बैलेंस है 42400 एंड बैलेंस शीट टैलीज ऑन 11770 पीएनएल सस्पेंस 500 है और लोन आपने रीपे किया है तो लोन पे ऑफ का एंट्री है लोन टू बैंक तो बैंक में आएगा बाय लोन आया वो सॉर्टेड है बैलेंस शीट टैलीज ऑन 11770 टेक डिसोल्यूशन नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसोल्यूशन वी सॉ इट इन द लास्ट लेक्चर क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस राइट क्लोजिंग ऑफ द बिजनेस अभी वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री दोनों डिसोल्यूशन में प्रोसेस रिमेन्स सेम इट इज अ मैटर ऑफ टू थिंग्स टू मेन थिंग्स यू नीड टू नो इन डिसोल्यूशन व्हाट आर दोस सेल आउट द एसेट्स पे ऑफ द लायबिलिटी सेल आउट द एसेट्स पे ऑफ द लायबिलिटी राइट यही मेन चीज है अभी सेकेंड सम देखो सम नंबर टू कौन से तीन अकाउंट्स आप बनाते हो हर बार डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन कैपिटल एंड कैश बैक अभी ये सम में ध्यान से देखो लायबिलिटी विल फाइंड एक्स लोन कैन यू सी दैट हू आर द पार्टनर्स एक्स एंड वाई तो कभी भी पार्टनर्स लोन दिख जाए सम में क्या दिख जाए तो उसका अलग से अकाउंट बना ले उसका सेपरेट अकाउंट इन दिस सम यू हैव फोर अकाउंट्स इन दिस सम यू हैव फोर अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड पे रियलाइजेशन अकाउंट है ना 3/4 से भी ज्यादा ऑलमोस्ट फुल पेज पे लास्ट का 3-4 लाइन में एक्स लोन बना है
X loan will be a very small account. Why am I making X loan? X is a partner. क्यों उसका अलग से बना रहा हूं बताऊंगा मैं आपको रीजन. तो रियलाइजेशन पूरा ही साइड बना लो, लास्ट तीन चार लाइन पे एक्स लोन और राइट हैंड साइड पे कैपिटल और कैश का बनाओ फटाफट. दो ही है ना पार्टनर. छोटा सा पार्ट है, तीन चार लाइन में नीचे बना लो एक्स लोन. और कैसा है पढ़ने में भी है ना, सबका पढ़ने का स्टाइल सिस्टम अलग रहता है. यू कैन नॉट कंपेयर योर सेल्फ टू एनी वन. एक्चुअली तुम पढ़ने बैठेगा ना, दो जन भी पढ़ाई करने बैठेगा ना, एक का फटाफट हो जाएगा सब, एक को टाइम लगेगा. इट इज पॉसिबल, इट्स अ फैक्ट, ऑल आर डिफरेंट. और तुम बैठा है दो चार स्कॉलर लोग के साथ, वो लोग दो चार सम करके उठ गया, तुमको भी लगेगा चलो दो चार सम करके उठ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला. तुम्हारा लिमिट्स तुमको देखने का है, समझा. वो दो सम कर रहा है तो तुम भी दो सम करके हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. वो दो किया तुमको चार करना पड़ेगा. तुम वीक है, तुम एवरेज है, तुम कितना स्पीड से कर सकता है, वो कितना स्पीड से कर रहा है, वो अलग चीज है सर. वो तीन सम सॉल्व किया, मैं भी तीन सम सॉल्व किया, उसको आया 34, मेरे को आया 24, आना ही है. तुम उसका तीन सम में पूरा प्रैक्टिस हो रहा है, तुमको छह सम लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए. सो इट इज नॉट द सेम फॉर ऑल. तुम्हारा कैपेसिटी लिमिट देख के यू प्रैक्टिस, समझा. देखा देखी मत करो, खुद का देखो बराबर, खाली खुद का कैपेसिटी लिमिट देखो. बाकी लोग सब अपना अपना करेगा, दे विल प्रैक्टिस, दे विल स्कोर और दे विल नॉट स्कोर, दैट्स नॉन ऑफ योर कंसर्न. सर वो लास्ट डे पे प्रैक्टिस कर रहा था एग्जाम के चार घंटे पहले, मैं भी चार घंटे पहले बैठा था, तो पागल भी रही क्या. डोंट कंपेयर, डोंट लुक एट अदर्स, चुपचाप अपना चीज पे फोकस करो तो काम बनेगा, नहीं तो नहीं होने वाला. एंड एवरी टाइम देर इज अ चांस टू इम्प्रूव, एवरी टेस्ट इज अ चांस टू इम्प्रूव. देखो कितना जन का स्कोर कम था, वापस बूस्टअप आ गया, वापस जंप आ गया. कोई का तुम्हारा कम आया तो क्या वो परमानेंट कम नहीं है, वो भी इम्प्रूव करने का. फोकस करो, प्रैक्टिस करो, होने ही वाला है, बढ़ेगा ही स्कोर. प्रैक्टिस करे और घटेगा ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, देयर इज नो कोरिलेशन. चार टेस्ट में कम आया तो भी अभी चांस है इंप्रूव करने का. वर्क हार्ड, इंप्रूव इट. चलो क्वेश्चन टू देखो. एक्स एंड वाई आर इक्वल पार्टनर्स, फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट ऑन 31st मार्च 2016. मिला
अभी मुझे बताओ व्हेन डू यू डू दिस डिसोल्यूशन ऑन व्हिच डे? बंद करना है ना बिजनेस और वॉलंटरीली बंद कर रहे हो, इनवॉलंटरी तो है नहीं आपको ये साल, तो व्हेन विल यू ट्राई टू शट इट डाउन ऑन द लास्ट डे? हो गया क्लियर? तो वो डेट का बैलेंस शीट बना के आपको दिया हुआ है, सॉर्टेड है। अभी मैंने आपको तीन स्टेप्स बताए थे, मेन स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या था यार? रिजोल्यूशन। एम्प्टी द बैलेंस शीट, सबसे पहला था एम्प्टी द बैलेंस शीट। फिर सेकेंड में आया था सेल ऑफ एसेट्स, फिर थर्ड में आया था पे ऑफ लायबिलिटीज। एम्प्टी द बैलेंस शीट का मतलब शुरू करने के लिए सारे आइटम्स फ्रॉम क्वेश्चन का बैलेंस शीट यू ट्रांसफर इट टू आंसर एट सम ऑफ द अदर प्लेस विल बी ट्रांसफर। इज इट क्लियर? शुरू करते हैं। सबसे पहला बैंक, बैंक है या कैश? बैंक। सो टू की बाय टू बैलेंस बीड, स्टार्ट विथ बैंक बैलेंस, टू बैलेंस बीड, दिस इज 10,000। ओके, उसके बाद कैपिटल देखो, एक्स एंड वाई कैपिटल, बाय बैलेंस बीडी, वहां का क्लोजिंग बना हमारा ओपनिंग फॉर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, दैट इज 40 and 30। मिला? उसी के नीचे यू विल फाइंड रिजर्व फंड, दिख रहा है? What are you going to do with that? Distribute it, क्योंकि dissolve हो रहा है business, तो पुराना profit loss old partner को ही मिलना चाहिए। कितना ratio है? Equal। तो 8,000 का breakup would be what? 4,000 each। Is that correct? उसका नीचे you will find X loan। Who is X? Partner। अभी scene क्या है? सुनो। Dissolution में बिजनेस क्या करता है? बिजनेस बंद हो रहा है तो उसको एसेट बेच के पैसा लेना है और लायबिलिटीज को पे ऑफ करना है। अभी ये तो सॉल्वेंट बिजनेस है, सॉल्वेंट मतलब हमारे पास बहुत पैसा है, तो हम लोग सारे के सारे लायबिलिटीज चुका पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मेन रीजन क्या होता है बिजनेस का बंद होने का? तो इनसॉल्वेंस। प्रैक्टिकली बिजनेस इसके बंद होते हैं इनसॉल्वेंस। तो इंसॉल्वेंसी में क्या होता है? आपके पास सफिशिएंट पैसे नहीं होते, आपके पास पैसे कम होते हैं। तो जब पैसे कम होते हैं ना, तो आपको एक प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है टू पे ऑफ द लायबिलिटी। उसमें पहला डिसोल्यूशन एक्सपेंस पे किया जाता है, फिर सिक्योर्ड लोन, फिर अनसिक्योर्ड लोन, फिर पार्टनर्स लोन आता है, फिर कैपिटल आता है। वो सब मैं दूंगा प्रायोरिटी लिस्ट। तो बोलने का मतलब ये जो पार्टनर्स लोन है ना, इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी ट्रीट ही नहीं किया जाता, ये इसको वैल्यू ही नहीं है, ये बिचारा है, ये इंटरनल लायबिलिटी। क्या ये? इंटरनल। मतलब अगर आपके पास पैसे कम हुए तो अंदाज उन सबको पे ऑफ नहीं करोगे, सबसे पहले उन पैसों से आप चुकाओगे डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फिर सिक्योर्ड लोन, फिर अनसिक्योर्ड, फिर पैसे बचे तो पार्टनर लोन को चुकाओगे, वरना चुका भी नहीं पाओगे। समझना है? डेफिशिएंसी बिल्स पे हुआ है, डेफिशिएंसी में चला जाएगा वो पैसा। ऐसा है तो इसलिए पार्टनर लोन अलग से बनाया जाता है कि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं है, ये क्या है? इंटरनल। अभी जो सम कर रहे हैं उसमें तो पैसे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आप एक्सटर्नल भी चुका पाओगे और इंटरनल भी चुका पाओगे। लेकिन आगे जाके जब बताऊंगा इंसॉल्वेंसी वाले सम करोगे ना, तभी जब पैसे कम होंगे ना, तभी विल यू पे ऑफ ऑल द लायबिलिटीज टुगेदर? नो, यू फर्स्ट पे ऑफ ऑल एक्सटर्नल, फिर पैसा बचा तो पार्टनर्स लोन, जो कि खासकर बचने वाला नहीं है, ऐसा होता है। तो ये रीजन है। व्हाट इज द रीजन ऑफ शोइंग पार्टनर्स लोन सेपरेटली? बिकॉज इट इज नॉट एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, इट इज एन इंटरनल, और प्रायोरिटी लिस्ट में ये सबसे लास्ट आता है। जैसे पार्टनर कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, पार्टनर्स लोन इज ऑल्सो एन इंटरनल, इसके लिए इसको अलग से बता। फिलहाल वाले सब में बहुत पैसा है, तो सब पे ऑफ होने वाले है, ये भी पे ऑफ होने वाला है, बट जब नहीं होंगे तब ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी में आने वाला है। इज इट क्लियर? तो जितने सब में अभी आज के बाद आपको पार्टनर्स लोन दिखाई दे, तो पार्टनर लोन अकाउंट अलग से बनाने का, समझा? तो चार अकाउंट हो गए, रियलाइजेशन, पार्टनर्स लोन, कैपिटल एंड फिलहाल। तो अभी विल यू ट्रांसफर पार्टनर्स लोन टू रियलाइजेशन? नो। तो जैसे कैपिटल में बैलेंस लिखा ना, बैंक में बैलेंस लिखा, वैसे पार्टनर लोन में टू की बाय लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस पीडी हाउ मच? 2,000।
करेक्ट है मिला 2000 का एक्स लोन है, ठीक है। उसके बाद जितने भी बचे हुए एसेट है इन सबको छोड़ के उनको कहां ट्रांसफर करना है, रियलाइजेशन। याद है बताया था डिसोल्यूशन के बाद सारे एसेट और सारी लायबिलिटी कहां ट्रांसफर हो जाते हैं, रियलाइज। जैसे नॉमिनल अकाउंट यू ट्रांसफर टू ट्रेडिंग पीएनएल, वो योर एंड टू हर साल के एंड में नॉमिनल बंद होकर ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है। एसेट लायबिलिटी बंद नहीं होते, वो बैलेंस 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 कैरी फॉरवर्ड होते नॉर्मली। बट जब बिजनेस ही बंद हो रहा है तब सारे एसेट और सारे लायबिलिटी बंद होकर कहां चले गए, रियलाइजेशन। अब कैसे बंद करना है, तो एसेट्स अकाउंट विच बैलेंस, तो डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, तो बाय बैलेंस सीडी होता है। बाय बैलेंस सीडी की जगह वहां पे लिखना है बाय रियलाइजेशन, तो एसेट में लिखना है बाय रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, टू सेंड्री एसेट अकाउंट एक साथ, सारे का सारा लिस्ट कॉपी करना है फ्रॉम योर क्वेश्चन। तो बिल्डिंग कितना है, 30,000, बिल्डिंग इज 30,000, मशीनरी इज 10,000, फर्नीचर इज 12,000, डेटर देखो आरडीडी भी दिया, मुझे बताओ आरडीडी इज एन एसेट और लाइफ, उसको अलग रखना है, आरडीडी अलग डेटर अलग। डेटर विल बी शोन एट ग्रॉस वैल्यू, डेटर कितना है 8,800, आरडीडी अलग से, बाय सन्ड्री लाइबिलिटी अलग से, दिस इज आरडीडी 800, डेटर अलग आरडीडी अलग, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट्स 4,000, कमीशन रिसीवेबल इज 1,000, व्हाट इज द टोटल 85,800, करेक्ट। मैंने क्या किया, सारे एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया, मतलब सारे एसेट्स बंद हो चुके हैं और कहां चले गए हैं, रियलाइजेशन। सो ऑल द एसेट्स आर क्लोज शट डाउन एंड दे आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। एसेट्स में आया बाय रियलाइजेशन और रियलाइजेशन में आया टू एसेट्स। अच्छा व्हाट अबाउट आरडीडी, इज आरडीडी एन एसेट, नो इट्स अ लायबिलिटी, उसको मैंने अलग रखा हुआ है। अभी लायबिलिटीज को बंद करते हैं, तो लायबिलिटीज का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब क्रेडिट बढ़ा है डेबिट छोटा है, तो टू बैलेंस सीडी लिखते हो आप। अभी टू बैलेंस सीडी के जगह पे यू आर राइटिंग टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन में आएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटी, समझ में आया। इधर आया एक आरडीडी और क्या क्रेडिट है, बस ये और कुछ। विल यू पुट एक्स लोन, जो अलग लिखा है अकाउंट में वो नहीं लिख रहा है, जो बाकी है ना बचा हुआ एक्सटर्नल लायबिलिटी वो लिखा है, 15,000 है ना, तो 15,800 हुआ। तो अभी आपका यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हुआ खत्म, व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट, वो सब किया हमने, एवरी आइटम चेक कर लेगा बैलेंस शीट का, हर एक आइटम कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो चुका है, हो गया। पार्टनर लोन मैंने अलग रखा हुआ है, व्हाई डिड आई कीप पार्टनर लोन सेपरेटली, बिकॉज इंटरनल लायबिलिटी, इज्जत नहीं है उसका, पेमेंट करने में अगर पैसे कम है तो सबसे लास्ट पेमेंट इसको होना है, इसलिए दैट्स व्हाई भले पैसे हो कि पैसे ना हो इसको अलग ही बता। ओके दैट वाज द फर्स्ट स्टेप, एम्प्टी द बैलेंस शीट। स्टेप टू एंड स्टेप थ्री क्या है, सेल द एसेट्स पे ऑफ द लायबिलिटीज। अब याद करो नॉर्मली व्हाट इज द जर्नल एंट्री टू सेल आउट एन एसेट, कैश टू एसेट, लेकिन इधर मैं कैश टू एसेट नहीं करूंगा, इधर मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन टू एसेट जो मैंने ऑलरेडी कर दिया है, और कैश टू रियलाइजेशन, तब जाके एंट्री बिकम सेल। तो रियलाइजेशन में टू एसेट और फिर सेल का क्या है, कैश टू रियलाइजेशन। व्हाट इज द एंट्री आई पास टू सेल आउट द एसेट्स, इट्स नॉट कैश टू एसेट, इट इज कैश टू रियलाइजेशन, ऑलरेडी एसेट्स आर इनसाइड रियलाइजेशन। अभी आप एसेट लायबिलिटी अकाउंट यूज ही नहीं कर पाओ, क्यों, बंद हो गया, एसेट लायबिलिटी आर नो मोर इन एक्सिस्टेंस,
they have been transferred to realization. Samjha? What is the entry for sale of asset? It is not cash to asset. Cash to realization. So how will you do it? Cash to realization. So bank to realization. Bank made to realization. Or realization made by bank. बैंक में टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय बैंक. नाउ चेक क्या भाव पे एसेट बिक रहे. द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज. रियलाइज मतलब पैसा आया. स्टॉक बेच के कितना आया? 19,000 आया. मिला? हेलो. डेटर्स रियलाइज हाउ मच? 7500 आया. मशीन से कितना आया? 11 आया. बिल्डिंग से कितना आया? 14 आया. और कोई है नीचे? वाई टूक ओवर द इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर वो टेकन ओवर. वो क्या बता था? एक्स अग्री टू एक्सेप्ट 1500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन. वो भी लोन का है. डिसोल्यूशन एक्सपेंस 2000. कमीशन रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. मतलब ये इससे एक भी रुपया आया? जीरो. बस इतना ही एसेट से पैसा आया. तो टोटल मारो 51,500. तो रियलाइजेशन में बाय बैंक, बैंक में टू रियलाइजेशन 51,500. समझा? इतना एसेट से पैसा आया. अब मैंने आपको क्या बोला था? व्हाट वाज योर स्टेप टू? नहीं नहीं स्टेप टू सेल आउट द एसेट. सेल आउट द एसेट है ना, इसके अंदर एक और पार्ट है. स्टेप टू में दो पार्ट है. सेल आउट द एसेट्स या फिर टेक ओवर द एसेट्स. सेल आउट द एसेट्स या फिर टेक ओवर. मतलब कुछ एसेट्स बेच सकते हो आप, वहां से पैसे आएंगे. कुछ एसेट टेक ओवर भी हो सकते हैं. टेक ओवर का मतलब याद है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ओवर? पार्टनर लेके गया. तो अगर पार्टनर लेके गया तो बिजनेस को पैसा नहीं मिलेगा. तो बिजनेस क्या करेगा पता है? पार्टनर के कैपिटल को डेबिट कर देगा. मतलब फ्यूचर में उतना पैसा उसको कम देगा. या तो आपको 5,000 मिले या तो आप किसी को 5 कम दो. बात वही हुआ. तो सेल में क्या होता है? बिजनेस गेट्स द मनी. टेक ओवर में क्या होता है? बिजनेस डजंट गेट द मनी. तो बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर कैपिटल को डेबिट कर देगा. अभी चेक करने का स्टेप टू में दो पार्ट्स है. कुछ ऐसे सेल, कुछ ऐसे टेक ओवर. तो ये तो सेल हो गया. अभी चेक करो कुछ टेक ओवर हुआ है क्या? हुआ है. पढ़ो क्या हुआ है. वाई टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 5,000 एंड फर्नीचर है बुक वैल्यू. वाई टू गो ओवर इन्वेस्टमेंट एट 5 एंड फर्नीचर है. नॉर्मली आप करते थे एडमिशन डिटरमिनेंट. व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर? नॉर्मली इट इज पार्टनर कैपिटल टू एसेट. याद है ये? बहुत बार किया है.